ए सिटीजन और डी जी फोटो लाइटिंग सोल्यूशन से एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल डी जी फोटो इंडिया के ऊपर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैकग्राउंड सिस्टम चेन पुली के ऊपर, कि अगर आप चेन पुली सिस्टम लेते हैं बैकग्राउंड्स लगाने के लिए तो उसको आपने कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे लगाना है और उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। आज सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि जो कस्टमर मेरे से चेन पुली सिस्टम लेके जाते हैं, पेपर बैकग्राउंड लेके जाते हैं, तो उनको इंस्टॉलेशन में बड़ी दिक्कत आती है कि भैया इनको कैसे इंस्टॉल करना है। तो आज हम अपना वीडियो इसी के ऊपर बनाने जा रहे हैं, तो आइए फटाफट इसके हम जो है आपको स्टेप समझा देते हैं। तो आपको जब भी आप मेरी वीडियो ये देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि किस तरीके से आपको इसको इंस्टॉल करना है और कैसे लगाना है। तो आइए देखते हैं। तो आपको दो तो मिलती हैं इसके अंदर जो है ये ब्रैकेट्स जो कि वॉल पे लगेंगी, तो ये वॉल पे जो है आपकी किस तरीके से लगेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी जो है इस तरीके से वॉल के ऊपर लगती है सीधी की सीधी, जिस एंड पे जितने आप फिट का रोल लेते हैं उसी हिसाब से आपको इसको इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि जो आपका पेपर बैकग्राउंड लेते हैं अगर आप, तो वो पेपर बैकग्राउंड जो है वो 9 फीट के अंदर आता है और 5 फीट के अंदर आता है, तो उसी हिसाब से आपको इनकी इंस्टॉलेशन करानी है। तो दोनों एंड्स के ऊपर दोनों ब्रैकेट्स लग जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे को ये पुलीज हैं दोनों रोल्स के अंदर लगाने के लिए। तो जो ये सिस्टम है ये 3 बैकग्राउंड सिस्टम है कि आप एक साथ 3 बैकग्राउंड्स को लगा सकते हैं। तो आपको टोटल जो ये वाली पुलीज हैं ये 6 मिलती हैं फॉर 2 ईच, दो रोल के लिए, एक रोल के लिए 2 पुलीज मिलती हैं। ऐसी 3 चेन्स मिलती हैं आपको जो कि 1 बाय 1 लग जाती हैं। इसके सिस्टम के ऊपर भी मैं आपको आगे दिखाऊँगा। और ये आपको मिलता है एक वेट, ये भी 3 मिलेंगे, हर एक चेन के साथ एक वेट होता है कि आपका जो है रोल नीचे वेट के साथ रहे तो ऊपर नहीं जाता वो। तो ये सब हम अभी चीज़ें देखेंगे किस तरीके से इंस्टॉल करनी है। तो जो मैं आपको खाली दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ अपने साथ, ये 5 फीट का डीजी फोटो का पेपर रोल है। और ये जो पुली है इसके अंदर किस तरीके से आपको लगानी है, तो इसके अंदर 2-3 मेथड होते हैं। ये तो पेपर रोल है, तो ये इसके अंदर हार्ड कार्डबोर्ड होता है, तो ये वाली पुली इसी के अंदर फिट हो जाती हैं। अगर आप कैनवास का या कोई भी कपड़े का अगर आप जो है बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है 2 इंचेस का मार्केट से एल्युमिनियम एक पाइप लेना पड़ता है। अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं तो आप वो हमारे से परचेज़ कर सकते हैं, तो वो भी हमारे पास होता है। लेकिन अगर आप पेपर लगा रहे हैं तो आपको कोई भी पाइप की नीड नहीं है, चाहे वो 5 फीट का हो चाहे वो 9 फीट का हो। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। तो ये दोनों एंड्स के पेपर के ऊपर लगेगी पुली, तो आपने ये जो पुली है इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देना है, और इसके जो ब्लैक वाली साइड होती है ये वाली, इसको इसके एंड पे ला के आप ये देखो इस तरीके से ये बिल्कुल एंड पे आएगी इस तरीके से। और आपको इसको पकड़ के बिल्कुल स्लोली स्लोली इसको आपने घुमाना है, ये इसके अंदर जो है ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा, टाइट हो जाएगी पुली, तो आपकी ये एक साइड तैयार हो जाएगी। ऐसे ही हमारे को इसकी दूसरी साइड भी तैयार करनी पड़ती है। तो ये देखो आप धीरे धीरे बिल्कुल टाइट हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है इसके अंदर, ये कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखिए आप, ये बिल्कुल इसके अंदर अब ये पैक हो चुकी है, ये कहीं नहीं निकलेगी, एकदम बढ़िया तरीके से है, ये आपका फिक्स हो गया। आपको ऐसे ही दूसरे एंड पर भी लगाना है इसको, ये देखिए इस तरीके से। को दूसरे एंड पे भी लगाना है उसी सेम सिस्टम से, ये देखिए इसको जब आप घुमा लेंगे ये आपका जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको इसमें बस आपको जो है अपनी जो है पुली लगानी है और पुली के ऊपर चेन लगानी है और वेट लगाना है, बस आपका जो है ये बैकग्राउंड सिस्टम बिल्कुल तैयार है वर्क करने के लिए। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसके अंदर इस तरीके से चली जाएगी और ये इसके नीचे ये रोल अप कर देंगे हम, ये देखिए आप, इसको आपने बिल्कुल इक्वल ले लेना है। उसके बाद जो है आपका ये है कि हमने इसको जो है इंस्टॉल कर लिया है। इसके अंदर भी जो मैंने जो ब्रैकेट्स लगाए हैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए अपने स्टैंड्स के ऊपर फिक्स किए हैं, मैंने वॉल पे फिक्स नहीं किए हैं इसको किसी भी। तो आपको ये जो इसके अंदर होल्स रखे हैं फास्टनर के साथ वॉल के ऊपर फिक्स करने हैं ऐसी, उसके बाद जो है आप अपना
इसका जो ये पुली दे रखा है इन्होंने, इसको आपने एक एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे करके लगाना है, तो ये आपके थ्री स्टेप पुली बन जाएंगी कि इसके अंदर आप थ्री कलर्स की बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसके अंदर एक ही लगाई है, अगर आपको तीन लगानी है तो आप तीन लगा सकते हैं। उसके बाद आपको जो है ये अपना बैकग्राउंड का यहाँ से इसको कट करके आप इसको रोल डाउन करेंगे और इसमें हम जो है वेट लगाएंगे। तो वेट लगाने से क्या है, ये स्टेबलाइज रहेगा और ये जो है आपको ये जो है रोल अप करने में कितनी आसानी है और कैसे आप कर सकते हैं। तो बस आपको इसको पुली को ही बस यहाँ से आपको अप एंड डाउन करना है, तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वर्क करने लगता है। देखिए ये आपका जो है इस तरीके से आप इसको वर्क कर सकते हैं। ये नीचे ये आपका जो है नीचे आ जाएगा चार्ट, आराम से रोल डाउन करके जो है आपका ये देखिए। ये देखिए रोल डाउन करके आप नीचे ले आइए, आपको जितना नीचे लेके आना। ये देखिए आप उसके बाद आपको जितना इसको ऊपर लेके जाना है अगर आपको इसको, तो बस आपको इसको यूं ही अब करना ही, आपका ऊपर चले जाएगा। देख सकते हो आप कितने आसानी से ऊपर चले जाएगा। तो यही हमारा चेन पुली है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना आसान है इसको इंस्टॉल करना। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको हमसे कोई क्वेरी करनी है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर्स के ऊपर। और किसी भी फोटोग्राफी से कोई भी रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, तो आप हमारे को फ़ोन करें, कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी जो है हेल्प करेंगे उसके अंदर।